तो हेलो भाई, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं दो चीज़ें की इंस्टॉलिंग, जो कि एक है आपकी एम्बियंस लाइट एलईडी और एक है भाई आपका ये जो डोर स्टेप पे लगता है आपका स्कफ प्लेट। तो जल्दी से इनको अनबॉक्स कर लेते हैं और फिर चलते हैं इनको लगाने के लिए। तो भाई जो अपनी एलईडी लाइट है वो है एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट, मतलब बहुत ही महंगी वाली मैंने नहीं ली, मतलब कार्डिया की वगैरह भी मिल रही थी, तो ये मुझे पड़ी है 700 रुपीज़ की सिर्फ। और खोलते हैं इसे, अगर तो पाइपिंग वाली है ये, आपका ऐसे पाइप्स होते हैं इसके अंदर, ऐसे बताता हूँ एक निकालिए, इसके अंदर आपका ये पाइपिंग वगैरह होती है, ये आपका एलईडी रहते हैं और इसमें आपका ये जो है रिमोट रहता है, इससे अपना जो है कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, मतलब वही सब है, ये वगैरह गाने भी आप इससे सेट कर सकते हैं। फिर आती है इसकी मेन एलईडी, ऐसी कुछ सीखती हैं, और वायरिंग, और एक ही आपका ये वाली चीज़ आती है जो कि इसके अंदर जाएगी ऐसे करके, और ये आपकी वायरिंग से बैटरी से आपकी जुड़ जाएगी। और आपको कुछ नहीं मिलता है भाई, थोड़ी बहुत पुस्तकें मिलती हैं और ऐसी कुछ लगेगी गाड़ी अगर आप लगवाते हैं मर्सिडीज़ में, जो कि कोई नहीं लगवाता है वैसे होते बस ऐसे ही कहते हैं लोग कि मर्सिडीज़ में लगवाएंगे, मर्सिडीज़ में कोई नहीं लगवाएगा यार, बट ठीक है, जिसके मर्सिडीज भी ना हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें इसको। चलिए फिर दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी चीज़ है भाई SFN की स्कफ प्लेट, जो कि है टोयोटा के नाम की, मतलब मैंने ये जॉस के नाम की पूछी थी तो मिली नहीं, तो मैंने कहा टोयोटा के नाम की दे, तो भाई अपने हो गया, अपने को तो लगानी लगानी है, और हो सकता है अगली गाड़ी टोयोटा हो तो टोयोटा में टोयोटा लग जाएगी, बट हो सकता है इतनी महंगी गाड़ी हो फिर हम ये सब काम ही नहीं करवाएं। तो ऐसे कुछ डबल टिप 3M की टिप मिल जाती है यहाँ पे, 3M की है, हाँ 3M की टोयोटा लिखा हुआ है, इस पर भी टोयोटा लिखा हुआ है, इस पर भी टोयोटा, इस पर भी टोयोटा, और कहता हूँ एक चीज़ टोयोटा टोयोटा इस पर भी लिखा हुआ है, 3M की टोयोटा लिखा हुआ है। इसकी प्राइसिंग मुझे बड़ी है, सिर्फ 350 रुपीज़ की, क्योंकि मुझे सही लगा भाई, और बहुत सी चीज़ें थी उस मार्केट में जो कि है कश्मीरी गेट मार्केट, और जल्दी से दोनों चीज़ों को इंस्टॉल करवाने चलते हैं। तो भाई लग रही है अपनी हम बन, कितना टाइम लगता है भैया इसमें? एक घंटा दोनों चीज़ों में। तो भाई यहाँ हमारी पूरी गाड़ी खुल गई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर का पूरा दिख रहा है कपड़ा वगैरह, और यहाँ लाइट लग रही है, यहाँ लग चुकी है ऐसे करके, ये पाइपिंग आ गई है और पीछे लगा रहे हुई है, अभी वायर भी मंगाई उन्होंने मुझसे, ये लग रही है अपना अलग अलग सही से ना। तो भाई यहाँ कनेक्शन भी हो रहा है हमारी गाड़ी का, पूरा यहाँ खुल चुका है और कनेक्शन अब डलेगा। तो ये लग रही है हमारी स्कफ प्लेट, लाइट लग चुकी है जिसका मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ। तो ये लग गया अपना पहला स्कफ प्लेट, और इधर भी लग गया, दोनों जगह अपने लग रहे हैं, और दूसरे और दो और लग रहे हैं। तो भाई रिजल्ट की बारी आ चुकी है, चारों सारी सारी चीज़ें दिखाना, पहले चारों डोर को मैं दिखा देता हूँ आपको और फिर दिखाएंगे और चीज़। तो भाई पहले डोर की तरफ चलते हैं, और ऐसा कुछ आपको रिजल्ट मिलता है, भाई ऐसा कुछ लग रहा है टोयोटा टोयोटा, और चारों डोर पे काटता हूँ आपको। पहला डोर हो गया, असली में तो बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा डोर भी आपका हो गया ये, और तीसरा डोर का भी दिखाते हैं, और फिर मैं आपको एम्बियंस लाइट दिखाऊंगा। ये रहा अपना तीसरे डोर का, बता ये यहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं थोड़ा सा डोर से, तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा मेन डोर का, क्योंकि ड्राइवर साइड का बहुत ही तगड़ी लुकिंग आ रही है वैसे ही। तो भाई मोस्ट अवेटेड थिंग, एम्बियंस लाइट कैसी लगती है गाड़ी में? तो कुछ ऐसी लगती है भाई, एक मैंने यहाँ लगवाई है, मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं यहाँ लगाऊं, बट मुझे पता था कि यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी और ऐसी मेरी शीशे में कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ नहीं लगा सकता था, मैंने यहाँ लगवाई चूँकि बहुत ही क्लासी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और दूसरा अपने यहाँ, और चारों डोर पे दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब दो डोर बचे उन पर भाई, पीछे कुछ ऐसी लग रही है, आगे कुछ ऐसी लग, मतलब उस रोड पर ऐसी लग, और अब इन्जॉय कीजिए आप सिनेमा। कैसी लगी एम्बियंस लाइट वगैरह? और जल्दी से आपको भी लेनी है तो भाई आप अगर ले, तो आप मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ,
लेना आसान है, संभालना मतलब लगवाना मुश्किल है, क्योंकि मैंने इसे ली थी ओनली इन 700 रुपीज़, और मुझे इससे ज़्यादा मुझे इसकी लेबर देनी पड़ती है, क्योंकि इसकी दोनों, पहले तो मुझे कोई मान ही नहीं रहा था, बहुत बंदे, बहुत मुश्किल से एक बंदा माना, वो कहता है 800 रुपीज़ में आपकी मैं दोनों चीज़ लगा दूँगा, फुट स्ट्रिप और ये, और वायर मुझे अलग से 10 मीटर खरीदनी पड़ी 150 रुपये की, तो वही मतलब 950 रुपये मुझे लगवा ही देनी पड़ी है सिर्फ, और 1.5 मीटर, सॉरी 15 मीटर इसमें नहीं लगी, सॉरी 10 मीटर इसमें नहीं लगी, वो लगी आपकी फुट स्टेप में, वो चारों तरफ से अपना कनेक्शन बैठता है, उनको जुगाड़ होता है। बट हाँ, या तो आप मतलब इसे ले लो, तो अगर आपको खुद लगानी आती है तो खुद लगा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल होती नहीं, मैंने भी आज समझ ही लिया, अगर आपको थोड़ा बहुत मैकेनिज्म आता है इन सब चीज़ों का तो आप लगवा सकते हो, लगा सकते हो, वरना थोड़ा मुश्किल है, मतलब ये तो मैंने खुद ही लगाई थी जैसे नीचे वाली है, बट ये भाई मुश्किल थी, तो भाई अपने हमसे तो ना हो पाता, तो इसलिए, बट इसका कल मैं रिमोट आपको दिखा देता हूँ, इसका रिमोट, और इसका और मेरी पुरानी वाली लाइट का सेम रिमोट है, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा रिमोट हो गया, अभी नहीं है, कहाँ है रिमोट, नहीं नहीं पड़ा है, ये एक्सटेंट भाई, ऐसा कुछ रिमोट आता है जिसे मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ, दोनों चीज़ रेड हो गई है, और नीचे भी कोई और कलर करते हैं, ग्रीन हो गया, ग्रीन ये नहीं हुई, शायद इसमें ग्रीन कलर है नहीं, या तो रेड तो हो गया था, क्योंकि ये नहीं, कुछ तो दिक्कत है, हाँ ये भी हो गया ग्रीन, देखिए कितना ग्रीन, बहुत क्लासी लग रहा है, हाँ वाइट में करते हैं वो, वाइट हाँ तो हो गया, वाइट भी कितना क्लासी लग रहा है, मतलब कलर बहुत क्लासी लग रहे हैं, येलो में करके देखता हूँ, देखिए येलो इतना अच्छा लग रहा है, ब्लू ब्लू देखिए आप लोग, ब्लू कर रहा हूँ उसको, ये तो हो गया, पता नहीं कुछ तो ये पुराने रिमोट ना एक्चुअली में, नया वाला तो मैंने लगाया ही नहीं इसमें, पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ ये रेड हो गया, ये हो गया, ये ब्लू हो गया, और अभी एक और कलर चेंज करेगा, ये वाइट हो गया, ये अपना ऑरेंज टाइप्स हो गया, ये ब्लू हो गया, सारे कलर अपना चेंज होता रहता है, और मल्टीवर्स भी ऐसा, मतलब मल्टी कलर भी है, मल्टीवर्स बोलते गलती से मैंने, ये आप कहीं भी होती रहेगी डिस्को लाइट में गाड़ी में चल रहे आप, तो भाई बढ़िया सी चीज़ है, मतलब मज़ेदार चीज़ है, और कैसी लगी आपको वीडियो बताना मत भूलिएगा, और ज़्यादा मैं इसको खर्च नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो है ना ये हेडलाइट सेविंग है, तो दिमाग भी आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि इससे बैटरी भी डाउन हो सकती है, कैसी लगी आपको वीडियो बताना मत भूलिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, और हाँ अगर आप इसे कनेक्शन करो ना हेडलाइट से करेंगे, क्योंकि आपको इसे रात में ज़रूरत पड़ेगी, अब जैसे मैं दिन में चल रहा हूँ, मैं इसको तो बंद कर सकता हूँ, इसको मुझे रिमोट से कर सकता हूँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से, वेस्ट ही होगा आपका टाइम, जैसे बढ़िया आप हेडलाइट से अपना कंट्रोल करो, जब मन करे हेडलाइट ऑन करोगे, ऑफ तो तब भी हो सकती है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।